हेलो एवरीवन एंड वी आर अगेन बैक विथ केस स्टडी नंबर 3 एंड 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि मैंने आप लोग से वादा किया, ये कंटिन्यूअस 50 डेज चैलेंज हमारा एकदम अनबीटेबल अनस्टॉपेबल है। हम लोग हर दिन केस स्टडीज कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2 को कवर किया है, तो पहले आप वो वाला केस स्टडीज देख लो। तो इससे क्या होगा, आपका एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, चलो अब अपने स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडी 3 और केस स्टडी 4। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन क्या समझो ध्यान से, ए बी सी और डी चार पार्टनर है। उन्होंने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया मिस्टर एफ को कि भाई 6 लाख रुपया दे देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, करके मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। ए बी सी और डी चार पार्टनर थे। यहां पे मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। और इन्होंने प्रॉमिस किया किसको, एफ को, कि भाई एफ हम तेरे को मिला के 6 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, बी और सी हो गए कंगाल। बी एंड सी हैव बिकम इनसॉल्वेंट। चार पार्टनर थे ए बी सी और डी, उन्होंने वादा किया एफ को कि तेरे को 6 लाख रुपया दे देंगे, और बी और सी हो गए कंगाल। क्या लिखा हो देखो, बी वॉज अनेबल टू पे एनी अमाउंट एंड सी कुड पे ओनली 50,000। बी तो पूरा कंगाल हो गया, लेकिन सी जो है उसके पास केवल 50,000 रुपया था। ए इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू एफ। एफ ने बोला, ए मेरे को नहीं पता, मैं 6 लाख रुपया तेरे से लूंगा। आई एम रिपीटिंग द केस। चार पार्टनर ए बी सी डी, ज्वाइंटली प्रॉमिस किया गया एफ को कि 6 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन उसके बाद बी और सी कंगाल हो गए। सी के पास केवल 50,000 रुपया था और बी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अब एफ क्या किया, ए को कंपेल कर रहा है, ए को, कि भाई 6 लाख मैं तेरे से लूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है, डिसाइड द एक्सटेंट टू विच ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन बोल रहा है, एफ ने जब कंपेल किया ए को, तो ए जो है अपने दूसरे पार्टनर डी से कितना रुपया ले पाएगा। क्या ए को एफ को सारा 6 लाख रुपया देना पड़ेगा और बाकी वो अपना हिस्सा का डी के साथ हिसाब कर सकता है क्या? तो अब हम लोग समझेंगे इसका आंसर। प्लीज समझो ध्यान से, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ले जाने से पहले दिमाग में एक केस स्टडी को पिक्चर फॉर्म में दिखा देता हूं। देखो क्या हुआ, बी जो है उसको मैं पूरा क्रॉस कर दे रहा हूं। पूछो क्यों, बी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। सी के पास है तो सही, मगर कितना रुपया है, 50,000 है, राइट। सी के पास केवल और केवल 50,000 रुपया। अब एफ पूरा का पूरा जो रुपया है वो किससे मांग रहा है, ए से मांग रहा है। कितना रुपया मांग रहा है, एफ ए से पूरा का पूरा 6 लाख रुपया मांग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप अगर ऐसा सोचो तो देखो क्या लिखा हो, समझो मेरा बात। मैं प्रोविजंस में बाद में जाता हूं, पहले मैं आपको इसका हिसाब समझाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, सर ए बी सी एंड डी ज्वाइंट प्रोमिसर है और दे कैन बी हेल्ड ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी मतलब एफ। एफ जो है वो ए को सू कर सकता है, लेकिन ए जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन वापस ले सकता है किससे, अदर पार्टनर से। अगर मान लो कल को कोई इंसॉल्वेंट नहीं होता, सबके पास पैसा होता, तो 6 लाख सबको देना पड़ता। कितना कितना करके, चार जन में अगर मैं 6 लाख देता तो ए कितना देता, 1.5 लाख रुपया। बी कितना देता, पक्का 1.5 लाख बी भी दे पाता। सी भी कितना देता, 1.5 लाख देता। और डी भी कितना देता, 1.5 लाख देता। लेकिन भाई बी तो गया कंगाल, यानी बी से 1.5 लाख का नुकसान हो गया। सी केवल 50,000 दे पाएगा, लेकिन सी को भी तो 1.5 लाख देना चाहिए। तो इसका मतलब सी जो है वो 1 लाख रुपया मार दिया और बी जो है वो 1.5 लाख रुपया मार दिया। तो इसका मतलब बी और सी दोनों ने मिला के 2.5 लाख रुपया तो मार दिया। अब एक चीज समझो, बी और सी का जो 2.5 लाख रुपया का नुकसान हुआ वो बाकी का दोनों पार्टनर ए और डी बियर करेगा, यस और नो? तो इस केस में क्या होगा, ए को 1.5 लाख तो देना ही था, प्लस ये जो 2.5 लाख रुपया बच रहा है ना, इसको भी ए और डी आपस में डिवाइड कर लेगा। यानी 1,25,000 और 1,25,000। ये 1,25,000 ए अलग से देगा और 1,25,000 डी भी अलग से देगा। इसका मतलब ए टोटल कितना देगा, अपना हिस्सा का 1.5 लाख देगा और बी और सी का जो नुकसान हो रहा है उसका भी 1,25,000 देगा। तो इस केस में टोटल ए देगा 2,75,000, डी भी देगा 2,75,000, सी 50,000 दे देगा और बी तो कुछ नहीं देगा। तो आप हिसाब चेक कर लो, ए के पॉकेट से 275 जाएगा, डी के पॉकेट से भी 275 जाएगा, 5.5 लाख, और सी के पॉकेट से 50,000 जाएगा, बी तो कुछ दे नहीं पाएगा। तो इसका मतलब सर कंक्लूजन समझो, इन दिस केस
एफ जो है ही कैन डेफिनेटली सू ए, बट ए बींग अ पार्टनर कैन रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स, बट रिमेनिंग पार्टनर्स भी कौन सा पार्टनर, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, यस और नो, जो पार्टनर कौन है, सॉल्वेंट पार्टनर है, और सॉल्वेंट में डी सॉल्वेंट है और सी कुछ हद तक सॉल्वेंट है, राइट। तो अब इसका शुरू से प्रोविजन देखो, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी आप लॉ कर रहे हो ना, सबसे पहले आपको प्रोविजंस लिखना पड़ेगा, फिर उस केस के बारे में फैक्ट्स लिखना पड़ेगा, और लास्ट में कंक्लूजन देना पड़ेगा। हमारे यहां पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोविजन लिखा हुआ है। प्रोविजन में क्या लिखा हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी से वादा करते हैं, तो उसका मतलब जिससे वादा किया गया है, जैसे एफ से वादा किया गया, तो एफ चाहे तो किसी एक पार्टनर के खिलाफ भी केस फाइल कर देगा। एफ बोलेगा मेरे को रुपया चाहिए भाई, तुम लोग आपस में समझो, तो जो आउटसाइड पार्टी है वो किसी पे भी सू कर सकता है। तो यहां पे एफ ने ए को सू किया था। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बट सच अ ज्वाइंट प्रोमिसर, ज्वाइंट प्रोमिसर जिस पे सू किया गया था वो ए था ना, एफ ने तो ए पे केस फाइल किया था, तो ज्वाइंट प्रोमिसर लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन बाकी पार्टनर से ले सकता है। तो मेरे एग्जांपल में जो ए है उसने अपना कंट्रीब्यूशन किस किस से लिया था, उसने अपना कंट्रीब्यूशन डी से लिया था और सी से लिया था, बी तो ऐसे ही पूरा इंसॉल्वेंट हो गया था। इन द गिवन केस ए बी सी एंड देयर पार्टनर्स हु हैव ज्वाइंटली प्रॉमिस्ड टू पे 6 लाख, बट सब्सिक्वेंटली बी सी इंसॉल्वेंट हो गया और 50,000 खाली सी से मिल पाएगा, राइट। तो ए जो है ही कैन बी कंपेल्ड टू पे द एंटायर अमाउंट, बट उसके बाद क्या होगा सर, जो मैंने बोला यहां पे आप देख सकते हो डेफिशिएंसी, बी का पूरा 1.5 लाख चला गया, बी तो दे नहीं पाएगा, और सी का 1 लाख का कमी रह गया, तो टोटल 2.5 लाख का कमी रह गया, जो कि ए और डी बियर करेगा किस रेशियो में, इक्वली, यस और नो। तो दस ए का टोटल लॉस जो टोटल शेयर आएगा वो 275 आएगा, बी का कुछ नहीं आएगा, सी का 50,000 आएगा और डी का 2,275,000 आएगा। आई होप दिस केस स्टडी इज वेरी मच क्लियर। सर ये केस स्टडी हमारा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट का है, जहां पे ज्वाइंट प्रोमिसर ज्वाइंट प्रोमिसी की लाइबिलिटीज और राइट्स का बात हो रहा है, राइट। और एक छोटा सा केस और है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट है, आप लोगों को भी पढ़ के मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, आनंद और मोनू दो जन है, आनंद मेजर है, आनंद कौन है, मेजर है। आनंद अगर मेजर है तो मान लो आनंद 35 साल का है, और मोनू बेटा जो माइनर है, ठीक है, माइनर है, तो मोनू मान लो 15 साल का है, बच्चा है यार। तो आनंद ने मोनू को बेटा एजेंट बनाया, क्या बनाया, एजेंट, और आनंद ने माइनर को, बच्चे को एजेंट बनाया, और एजेंट बना के बोला ए मोनू कुछ भी हो जाए ये सामान 5,000 से कम में मत बेचना। आनंद मेजर है, उसने बेटा मोनू को एजेंट बनाया और बोला कि भाई कुछ भी हो जाए मोनू तू ये जो सामान है 5,000 से कम में मत बेचना। मोनू ने क्या किया पता है, मोनू ने आगे वो सामान सोनू को बेच दिया, कितने में, 1,000 में। ये क्या हो गया भाई, आनंद का एजेंट मोनू है, मोनू छोटा सा बच्चा है जो एजेंट है, मोनू ने आगे वो सामान 1,000 में बेच दिया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मोनू ने सामान बेचा 1,000 में, जबकि बोला गया था कितना में, 5,000 में, क्या वो सेल वैलिड है। आप लोग खुद सोचो प्रोविजंस क्या बोलता है, फटाफट सोचो क्या बोलता है। चलो मैं बताता हूं सर, सबसे पहला बात मोनू माइनर है, हमने पढ़ा था माइनर एजेंट हो सकता है, माइनर एजेंट हो सकता है, लेकिन माइनर जो है वो कभी लॉस बियर नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब मोनू के द्वारा किया गया सोनू का जो सेल है वो वैलिड है, यस और नो। और इस केस में आनंद कुछ नहीं कर पाएगा, अरे भाई आनंद तुम तो एडल्ट था, तुझे तो पता था कि मोनू ना समझ है, तो मोनू को क्यों बोला, यस और नो। तो इन दिस केस आनंद इज लायबल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मोनू जो है उसका सेल सोनू को वैलिड माना जाएगा, यस और नो। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन, बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन इवन अ माइनर कैन बिकम एन एजेंट, यस और नो, बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल, दस एन इनकम्पिटेंट पर्सन ऑन बींग अपॉइंटेड एन एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल। माइनर इनकम्पिटेंट पर्सन था और माइनर ने अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर दिया अपने एक्ट के थ्रू, यस और नो। लेकिन माइनर कभी लाइबल नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनर है। तो इसका मतलब सर सोनू को जो हमने सामान बेचा है मोनू ने वो वैलिड है, सोनू को एक गुड टाइटल मिलेगा, राइट।
और मोनू इज नॉट लायबल टू आनंद फॉर इज नेग्लिजेंस। मोनू का कोई गलती नहीं है भाई, गलती सारा का सारा किसका है सर? आनंद का है। यस और नो? तो मोनू इज नॉट लायबल टू आनंद फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। ठीक है, तो ये दोनों केस देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आपको एक कंटेक्ट जो मैं लेके आया वो एजेंसी से लेके आया कि एजेंट कौन हो सकता है। और पहला वाला जो केस स्टडी था बच्चों, वो मैं कहां से लेकर आया? वो लेकर आया परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। ऐसे केस स्टडीज और रोज आते रहेंगे। आपको बस क्या करना है सर, अगर आपको केस स्टडीज का, मैंने पहले ही बोला कि अगर आपको इसका फाइल चाहिए पीडीएफ फाइल, तो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को देखो, उसमें एसएससी का जो अपना ऐप है सिंगिंग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में वो लिंक को डाउनलोड करो। आने वाले और बहुत सारे केस स्टडीज आएंगे जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। सितंबर अटेम्प्ट जो है वो लॉ में आपका तगड़ा मार्क्स दिलाने का वादा करता हूं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, और कोई भी डाउट हो अगर केस स्टडीज से रिलेटेड तो डेफिनेटली पूछो। ठीक है, चलो, सी या गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।